बर्ड्स के सामने बैठने से इंसान को अगर कोई दिमागी तौर पे कोई ज़हनी दबाव उसके अंदर मौजूद है या कोई माशी तौर पे उसके ऊपर कोई दबाव है, परिंदे को देख के उसकी तबीयत के ऊपर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, तो वक्ती तौर पे उसको काफ़ी परेशानियों से निजात मिल जाती है। मेरा नाम मेजर मोहम्मद आज़म अली ख़ान है, मैं वह गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास काफ़ी वैरायटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिसमें मकाउज़ हैं, ब्लू एंड गोल्ड ग्रीन विंग मकाउज़ हैं, उसके बाद ट्राइट्रॉन कॉकटूज हैं, अमेज़ोन की वैरायटी है, अलेक्जेंड्रीन है, और दो तीन वैरायटी जिसमें दर्बियन पैरेट है, वो हिमालया का बर्ड है वो है। मेरे ख़्याल में जो बर्ड्स हैं या पेट्स हैं लॉकडाउन के अलावा या आइसोलेशन में रहने के अलावा भी ये बर्ड्स हैं या पेट्स हैं, ये इंसान के लिए उसको नेचर के साथ फितरत के साथ उसको बहुत करीब लेकर जाते हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो वो घर के अंदर ही बैठना पड़ा, बाहर जाना आना तो बंद हो गया, और जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है कि अगर ये बर्ड्स ना होते तो इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशानियाँ आनी थी, घर में रह के बड़ा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है, तो इन परिंदों की वजह से जो है वो ज़हनी दबाव काफ़ी हद तक जो है बल्कि ना होने के बराबर था। पूरी ग्लोबल इन्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है, उसको रिलीव करने के लिए जो है वो डॉक्टर्स के पास तो मेडिसिन एग्जिस्ट करती हैं, और डॉक्टर्स भी जो है साइकाटिस्ट हैं या वो भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोई पेट रखें जिसमें बर्ड हो या जिसके साथ आपकी एफिलिएशन हो।